बिना पानी की कभी लेक देखी है क्या? मायरा ने एक नंबर खुद से ही कटवा लिया। मायरा पढ़ती है या नहीं पढ़ती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है शिवरात्रि, तो आप सबको हैप्पी शिवरात्रि और हैप्पी वुमेन्स डे। शिवरात्रि है तो मेरे स्कूल की छुट्टी है और मैं आज बहुत सारी मस्ती करूंगी, बहुत सारी पढ़ाई करूंगी। जब मैं सुबह उठी थी ना, मैंने ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई कर ली थी और मैंने कन्नड़ा सब्जेक्ट की हाफ रिवीजन कंप्लीट कर ली है। और जैसे स्मायरा ने बताया कि खूब मस्ती करने वाली है, तो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है माइंड फ्रेश करने के लिए। तो आज के दिन स्मायरा जो भी एक्टिविटीज़ करेगी वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। आपके लिए लंच आलू गोभी, वो भी फ्राई करके, साथ में कर्ड चपाती और आपका फेवरेट सैलेड। चलो गोभी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। क्योंकि फैमिली पहले आप टेस्ट करो। हाँ, हमने कर लिया, हमें तो बहुत अच्छी लगी। डिलीशियस। नाउ इट्स स्टडी टाइम। मम्मा, क्या हुआ? मैंने सोचा था आज छुट्टी है, हम मस्ती करेंगे, लेकिन आप बोल रहे हो कि पढ़ाई करनी है। पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई तो जरूरी है ना। पक्का पक्का। और फाइनल एग्जाम से किस किस को डर लगता है आप पहले मुझे कमेंट्स में बताना। आपको लगता है क्यों लगता है? मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो रिपोर्ट कार्ड पे इम्पैक्ट हो जाएगा, ये होता है फेल ना हो जाऊँ, मुझे पास होना है। पास तो सब बच्चे ही होते हैं, सीबीएसई का रूल है, फेल तो कोई भी नहीं होता है। बट होता है ना, अरे यार अगर मैंने अच्छे से पेपर नहीं लिखा मम्मी डांटेगी। पहले ना, आज मैं आपको अभी नहीं बाद में ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जिससे आप मुझे ये बताना कि स्मायरा का कभी एक मार्क आ सकता है एग्जाम्स में। आ नहीं सकता है, लेकिन डर होता है ना, अरे अगर इस एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। नहीं आएगा, क्योंकि आप अच्छे से तो स्टडी कर रहे हो, स्टडी प्लानर मैंने आपके लिए बनाए, टाइम टेबल को फॉलो करके हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सबसे पहले तो आपने फाइनल एग्ज़ाम्स से डरना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स साल में 4 बार होते हैं, तो फिर बाकी एग्ज़ाम्स पे तो आप डरते नहीं हो, फाइनल पे क्यों डरते हो? ये कुछ टिप्स हैं जो आज मैं आपको बता रही हूँ कि डरना नहीं है, जितना डरोगे उतना डराया जाएगा। टीचर बोलेंगी फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पढ़ाई कर लो, मम्मी बोलेगी फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पढ़ाई कर लो। अगर आप खुद से पढ़ाई कर लोगे तो आपको कोई क्यों डराएगा, है ना? कम मार्क्स क्यों आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे ना। जो कटेंगे 2-4 वो कटेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी क्यों कटेंगे, उसका रीज़न क्या है? या तो स्पेलिंग मिस्टेक, लैंग्वेज में खास करके हो ही जाती है। और क्या बोल रही थी मैं, भूल गई, देखो स्मायरा ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे ही पढ़ाई के टाइम पे भी ऐसा कुछ ना करो जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए और आपका जो पढ़ाई का फोकस है वो टूट जाए। तो पढ़ाई सबसे पहले कहाँ बैठ कर करनी है? स्टडी टेबल पे। प्रॉपर लाइट हो आपके पास, वो सारी चीज़ें अरेंज हों जो आपको पढ़ाई करने के टाइम पे चाहिए। बेड पर बैठकर कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ब्रेक लेते टाइम आप लेट जाओगे, आपको नींद आ जाएगी, तो फिर आपका फोकस टूट जाएगा। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ब्रेक लेते हैं या थोड़ा सा अपने काम से टायर्ड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, 2 मिनट बैठ जाते हैं या फिर टीवी ऑन कर लेते हैं। तो ना तो टीवी ऑन करना है, ना ही अपने फ़ोन उठाना है। मम्मा, फिर ब्रेक किस चीज़ की हुई, ऐसे तो हम बोर ही हो जाएंगे। अभी तो हमने पढ़ाई शुरू करनी है, अभी कहाँ से आपको ब्रेक मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं स्टडी टेबल पे। हाँ, और एक चीज़ मायरा मुझे लास्ट रिवीजन के टाइम पे और बोल रही थी कि मम्मा अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया तो, पहली बात तो छोटी क्लासेस में बाहर से कुछ भी नहीं आता है, बुक के अंदर से ही आता है। और बुक्स में जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के एंड में बच्चों के लिए दी होती हैं एक्सरसाइजेज, जैसे कि ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, मेक योर ओन सेंटेंसेस या फिर वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको इस चीज़ का डर है कि मैम कुछ और ना पूछ ले, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है। पूरा चैप्टर? हाँ, उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको हाईलाइट करना है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आपको लग रही है आपने उसको हाईलाइट करना है, खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। जब आप पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में ऐसे आएगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ट्रू एंड फॉल्स कभी कभी चैप्टर में से निकाल देती हूँ। हाँ, क्योंकि मैम चैप्टर के अंदर से देगी, बाहर से कुछ भी नहीं देगी। और इंग्लिश के साथ साथ स्मायरा आपको आज साइंस का थोड़ा सा और एसएसटी का भी थोड़ा सा पढ़ना है,
और मैं मैथ्स भी पढ़ूंगी। तो 3 डेज है, तो 3 डेज में जितना कवर हो सके, जितनी रिवीजन हो सके हम करेंगे। कितनी पढ़ाई हो गई? खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे अब नींद आ रही है। लेकिन आप तो कह रहे थे बेड पे नहीं जाना, फोन नहीं उठाना, टीवी नहीं देखना, तो फिर अब मैं क्या करूं? पढ़ाई खत्म होगी? ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ हाईलाइट कर दिया है, समझ आया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, साइंस, इंग्लिश, SST। हम रास्ते में रुके और सुमायरा फ्लावर्स ले रही हैं, टेंपल में जा रहे हैं हम क्योंकि सुमायरा की आउटिंग भी हो जाएगी और पूजा भी हो जाएगी। आज शुभ दिन है, महाशिवरात्रि है। आप में से कौन कौन टेंपल गया था आज, हमें कमेंट्स में बताना और हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हम टेंपल में पहुंच चुके हैं और हमारे घर के पास एक लेक है, उसके साथ में ही शिवा टेंपल बना हुआ है, तो चलते हैं अंदर। सबको बता रही थी, और आपने बिना पानी की कभी लेक देखी है क्या? अब देख रहे हैं ना क्योंकि बैंगलोर में पानी का प्रॉब्लम कितना हो गया है और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो अगर बारिश नहीं होगी तो लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स में पानी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे पानी नहीं आएगा तो फिर सप्लायर के पास पानी कैसे जाएगा और फिर वहाँ से हमारे पास कैसे आएगा, है ना। और लास्ट ईयर मानसून में बहुत ही कम बारिशें हुई हैं, इस बार तो अभी तक एक भी बार बारिश नहीं हुई है और होप कि जल्दी बारिश हो। और उस वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। मार्च के मंथ में 33-34 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है, जो कभी भी नहीं होता था। और बारिश होगी तो थोड़ा मौसम भी अच्छा होगा और ये रूखी सूखी लेक भी हरी भरी हो जाएगी। फिर हम दोबारा आपको यहाँ पर लेकर आएंगे और पानी से भरी हुई लेक दिखाएंगे, ठीक है सुमायरा? Okay. अब थोड़ी देर वॉक की जाए, yes. ताकि आपका माइंड थोड़ा और फ्रेश हो जाए और घर जाकर आप फिर से पढ़ाई कर सको। Okay. सुमायरा बोल रही है कि मुझे गर्मी लग रही है, कुछ पीना चाहती है, तो अभी बता दो क्या पीना है, फिर पापा आपके लिए ले आते हैं। लाइम जूस। सुमायरा एंजॉय कर रही है ठंडा ठंडा कूल कूल लाइम जूस, अच्छा है ना? यस। अब तो नहीं बोलेगी गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है? नहीं। चलो ब्रेक भी हो गई, आउटिंग भी हो गई, अभी हम चल रहे हैं घर पे। घर पे आके सुमायरा फिर से पढ़ने के लिए बैठ चुकी है और मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। दाल मैंने रख दी है ताकि फिर मैं सुमायरा के साथ बैठ सकूँ, इसको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मैं इसको समझा सकूँ। और उसके बाद हम आपको सुमायरा की सारी टेस्ट नोटबुक्स दिखाएंगे जो सुमायरा को स्कूल से मिली हुई हैं। पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले, ये लिख क्या रही है ज़रा देखते हैं। क्या है ये? ये है स्क्रू का डायग्राम। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्क्रू। ओके, ये सारी रिवीजन आपने कर ली, करेक्शन भी खुद कर ली? यस, ये मेरी अपनी टेस्ट। ओके, और क्या क्या पढ़ाई की आपने ज़रा दिखाओ। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस तो अपने आप बनाए हैं, ये वाला मैंने खुद से बनाया है, ये वाला मैंने खुद से बनाया है, ये वाला रिपीट करवाया है मैम ने। आपको समझ में आया ना कि चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है। टोटल 12 क्वेश्चंस बन गए इंक्लूडिंग दिस डायग्राम, और इवन की मैंने वो एक्सरसाइज भी लर्न कर ली है। Okay, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या पढ़ाया है। देखो खुद ही गुड दिया सुमायरा ने अपने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। आज के दिन में कितनी पढ़ाई की है, तो सोचो नेक्स्ट 2 डेज में तो मुझे लगता है सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी सुमायरा। यस, क्वेश्चन भी लिख लिए हैं खुद ही और आंसर्स भी लिख दिए हैं, करेक्शन भी कर लिया है, मेरा काम भी आसान कर दिया इसने तो। ये हमने लास्ट व्लॉग में किया था ना पत्र, ये है सुमायरा की साइंस की टेस्ट नोटबुक। और ये सारे टेस्ट जो हैं वो स्कूल में होते रहते हैं और ये नोटबुक्स हमें एंड पे मिलती हैं, मैं भी नहीं देख पाती हूँ बीच बीच में कि
कि इस्माइरा के कितने मार्क्स आए हैं। कभी कभी भेज देते थे वो बीच में साइन करवाने के लिए। तो ये इस्माइरा का टेस्ट है, 10 out of 10 मार्क्स इसको आए हैं, इसमें भी 10 out of 10 आए हैं। यहाँ पे एक नंबर कट हो गया, बट कोई बात नहीं। ये तो इसी तरह मैं जितने भी सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स इस्माइरा को मिल चुकी हैं टेस्ट की, उसके सारे मार्क्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये फिर वर्कशीट शुरू हो गई है फाइनल एग्जाम्स की रिवीजन के लिए। इस्माइरा और कौन से सब्जेक्ट की टेस्ट नोटबुक है आपके पास? अरे आगे भी टेस्ट है। आगे भी टेस्ट है? अच्छा, एग्जाम्स की प्रैक्टिस के बीच में टेस्ट भी हो गया? यस। ये है इंग्लिश की टेस्ट नोटबुक। तो ये इंग्लिश का फर्स्ट टेस्ट हुआ था जब स्कूल स्टार्ट हुए थे। उसके बाद ये है सेकेंड टेस्ट, इसमें आए हैं 9.5, एक मार्क कट गया पता नहीं कहाँ पे। ये पोयम के 2 stanzas थे। उसके बाद यहाँ पे 9 आए हैं, एक नंबर कट गया है। इस्माइरा समझ में आ गया था फिर आपको? यस, मैंने ही मैम को बताया था, नहीं तो मैम को पता ही नहीं चला था। मैम ने पहले मुझे 10 out of 10 दिए थे, फिर मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने मैम को बोला और मैम कहती ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मैम ने मुझे 9 marks दे दिया। ओ, इस्माइरा ने एक नंबर खुद से ही कटवा लिया। देखो है ना, ये ऑनेस्ट बच्चा। उसके बाद ये मैथ्स का टेस्ट है जिससे इस्माइरा को बहुत ही ज्यादा डर लगता है और उस वजह से इसके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। इससे ज्यादा मार्क्स इस्माइरा के कभी भी नहीं आए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आए हैं, और मैथ्स में तो हमेशा 10 ही आते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 8 out of 10। यहाँ पे तो कैलकुलेशन में पक्का आपने गड़बड़ की होगी। यस, क्या हुआ था ना, मैम ने यहाँ पे ये समझाया था जो मैंने बोर्ड मार्क्स को फॉलो नहीं किया। मैंने सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन कर दी। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये तो वर्कशीट है। ये वर्कशीट है? इसके मार्क्स मिले हैं? मिले। कितने मिले हैं? 7। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट था ना, LCM, HCM वो सब निकालना था। तो इस्माइरा के लिए तब ये डिफ़िकल्ट था चैप्टर, जैसे इस बार एक ज्योमेट्री का चैप्टर डिफ़िकल्ट है, तो होता रहता है मैथ्स में। तो बस ये लास्ट टेस्ट था, उसके बाद वर्कशीट्स हुई हैं स्कूल में जो भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हैं। तो आप सभी बताइए अब इस्माइरा पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। तो इस्माइरा के टेस्ट के मार्क्स देखकर आपको लगता है कि इस्माइरा के कभी 1 या 2 marks आ सकते हैं या ये फेल हो सकती है? आप खुद ही बोल रहे थे मुझे डर लगता है। और आज इस्माइरा ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन खुद से कर ली है। जब से हम बाहर से आए हैं इसने बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं ली है, क्योंकि मैं आके किचन का थोड़ा काम करने लग गई, डिनर बनाने लग गई, तो इसने अपने आप ही मैनेज करके पढ़ाई ख़त्म कर ली। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज इसको मैं पढ़ाऊँगी, उससे ज़्यादा ही इसने रिवीजन कर ली है। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस्माइरा की और पढ़ो, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे से पढ़ाई की है आपने। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने अभी तक इस्माइरा को ऑल द बेस्ट नहीं लिखा है, जब तक एग्जाम्स शुरू नहीं होते हैं तब तक आप लिखते रहिए। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।